नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नवरात्रि गड़ा का बधाई। नवरात्रि सती हमन जाथन आज डोंगरगढ़। लइका पिचका दाई मई सबको गाड़ी में भरा के 11 बजे के आसपास निकला था। हमारे गाँव से रोड एकदम फ्री है, डोंगरगढ़ तक लगभग 1.25 घंटा के आसपास लगते। जैसे मन पहुँचे ना, एकदम लास्ट लास्ट में पहाड़ी का नज़ारा हमें देखे पर मिल गया। और बड़ा सुंदर लगता है पहाड़ी का नज़ारा। और पहाड़ के पत्थर में कभी कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है ना कि कब नीचे गिरी तो गाड़ी साथ में आई, पूरा चटनी बन जी। बड़ा मतलब प्रकृति बहुत अद्भुत नज़ारा है, देख के ऐसा लगता है बड़ा सुंदर लगी से। जस्ट हमें पहुँचना रहें वैसे बहुत सारा पहाड़ पर था अपन गए डोंगर तो पता चला। ऐसे पूरा हम बैठे लेडीज पार्टी में है ना, लेडीज पार्टी बैठे सामने में एक दूसरे जेंट्स है। जस्ट जिससे पहुँचना मन पार्किंग से पहले गाड़ी पार्क कर वो एकदम मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर पहली पार्किंग जिससे कहा कि नवरात्रि ना तो जस्ट पहाड़ के नीचे इतना था। तुमड़ी बोर साइड जाते तो पहाड़ जैसे नीचे पार्किंग रहते। और जस्ट गाड़ी पार्किंग करे एक बार धूपे धूप भयंकर धूप है। 11:30, 11:12 बजे के आसपास धूप जानते हैं आजकल के एकदम पसीने में लगता था। लड़का मन लपाया पाए बैग में धरे धरे पहुँचे मंदिर। मंदिर में चढ़े सीढ़ी चढ़ी मेरा हाथ खराब हो गया, सबके पूछो मत। मैं तो 15-20 सीढ़ी चढ़े हम हाथ खराब हो गए, मैं कहाँ थे नहीं जाऊँ करके। लेकिन कैसे भी करके धीरे 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 देखो पसीने में एकदम लगता था भयंकर हाथ खराब है। ऐसे सब कैसे मन हो गए इसके नहीं जान वापस नीचे से ही मुंडन करा के जाबू। फिर ओकर बाद जस्ट थके मन एक बार थोड़ा सा भेल खाए की इच्छा हुई से भेल बना 20 रुपये प्लेट है। लेकिन यार भेल जबरदस्त बनाए कुछ मजा नहीं है। पहाड़ पर्वत में जाया देखो धीरे धीरे कैसे करके ले देखा ऊपर चढ़े हैं और लगभग बीच में आ चुके हैं हमने। और यहाँ छोटे छोटे बंदर भी है, आपने जाना वाना जैसे भी खजाने में दे सकते हो। और देखो इतना हालत खराब का मन के बेचारी भारती सबसे पिछवाए एकदम आराम से आते दादागिरी से एक सीढ़ी चढ़ेंगे। छोटे छोटे बाद में सीढ़ी चढ़ना एकदम सब आदमी गर्मी कारण एकदम हालत खराब थे। और पहुँच चुका मैंने फाइनली लास्ट माता रानी दर्शन हुई से बोली सारी दरबार की जय। माता रानी दर्शन एकदम ले रेख हुई से भीड़ ही से दूसरा दिन तीसरा दिन भी तब भी तो बहुत ज़्यादा भीड़ ही से। और मोबाइल वीडियोग्राफी बहुत ही तब लोकेशन करके मैं वीडियो बना लिया। जैसे हम ना वहाँ जाकर अलग कन्वर्टर हो गए हैं तो लास्ट में उधर में एक जगह मिलबो और लास्ट में ले लेते प्रसाद। ये है सबसे लास्ट मतलब यहाँ प्रसाद नहीं होकर नीचे में सब जगह दुकान लग गए थे, बहुत सारा दुकान लगते तो मन पीछे आवा थे। और जस्ट ऐसे सबको एक बार बाबू मुंडन का मेन काम रही बाबू के मुंडन संस्कार करना है। तो बाबू मुंडन संस्कार है पर बीच में रुके हैं वहाँ कर मुंडन संस्कार। बाबू मुंडा का ज़्यादा रोहित से परेशान नहीं करे से थोड़ा सा रोहित से इतना तो बंद है लेकिन बंद तो रोहित ना होगा। जस्ट मुंडन संस्कार से देखो बाबू मुंडू हो गए और कहा देखो सब शॉपिंग चला थे, कोई बैग देखा थे, कोई घड़ी देखा थे, कोई पर्स देखा थे। लेकिन कहते ना लेडीज़ मन के देखना और लेना कम जम्मू सारा देखे कम से 10-15 जगह गुजार गुजरे। लेकिन 3-4 गली से बेचारा मुंडू और मैं उतरा था ना और पाली पाई करके पात रहे यार हाथ खराब हो नीचे वहाँ जैसे नीचे उतरे मंदिर से ओकर जा था छोटे बम्बई मंदिर और वहाँ मिल गए हमारे रहते हमारे राखी बहनी है। बहुत पहली परिचय है रामायण हमने गए तो परिचय हो गई से बेचारी मोटर से रुकी से बड़ा अच्छा लगे मिल के 3-4 घंटा वेट करी से इधर गाँव यहाँ से 15 किलोमीटर है। और कहा हमें छोटे बम्बई आए हैं दर्शन करते हैं छोटे बम्बई देख सकते तो बहुत ज़बरदस्त मंदिर बने हैं बहुत ही मस्त नक्काशी वाला है ना। यहाँ माता रानी दर्शन कर रहे हैं फिर वहाँ से देख सकते मंदिर बहुत सुंदर है। वहाँ से माता रानी के दर्शन करे पर छोटे बम्बई वहाँ से आगे में नाश्ता पानी करे पर है ना कहा कि भूख भी लगा बहुत टाइम से सबको नाश्ता पानी करे चावल दाल नॉर्मल खा नाश्ता कुछ स्पेशल नहीं खाया चावल दाल सब्जी खाए हैं। अगर तो वहाँ से मना भूपेश बघेल भी है आइस काका होगा कारण बहुत भीड़ हो गई जैसे रास्ते में सब जाम रही से एकदम 1-2 घंटा पहले ही आ जाते हैं। देखो भूपेश बघेल से वो दर्शन के होकर बाबू भी मुंडन का सुने होगा नाती के तो वहाँ से हम आए बार वापस निकल गए हैं घर जाए पर और हमारे यहाँ बीच में रोक दे संगवारी हो अपन की भूपेश बघेल की वापसी है ना। तो मिलता नेक्स्ट ब्लॉग में कैसे लगी से यहाँ से जस्ट हम थोड़ी देर बाद निकले 5 मिनट वेट करने के बाद निकले हैं।